नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त 5 की आज का हो गया है और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की। अब आपको कोई 420 नहीं कहेगा। ऐसा क्यों, बताएंगे आपको। साथ ही बेजुबान कई महीनों से कैद में है लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। त्योहार आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर युवती की जिंदगी को एक वीडियो ने बर्बाद कर दिया। बात करेंगे कानून व्यवस्था की भी, जहां कानून के हाथों के नीचे से आरोपी फरार हो गया। तो चलिए पहले बात करते हैं कानून की ही। देश में 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने वाले हैं, जिसके बाद कई धाराओं के अंक में बदलाव किया गया है। अब आपको कोई 420 कहे तो उसका मतलब धोखेबाज या जालसाज नहीं होगा। अब धोखेबाज के लिए एक नया अंक होगा। इसके अलावा कई धाराओं के अंकों में भी बदलाव किया गया है। देश में कानून का बदला एड्रेस। अब 420 का मतलब धोखेबाज नहीं। धारा 420, 302, 144 बदल गया पता। सदियों से 420 को एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई किसी को धोखा देता है, ठगी करता है, तो उसे 420 कहा जाता है। आम बोलचाल में ये शब्द खूब रंग गया है। यही वजह है कि लोग 420 नंबर के फ्लैट, गाड़ी लेने से भी बचते हैं। लेकिन अब धोखेबाज को 420 नहीं कहा जाएगा। इसकी वजह है कानून में बदलाव। अब धारा 420 को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। 163 साल से चला आ रहा पुराना कानून बदलने जा रहा है। 1 जुलाई 2023 से कानून में बदलाव हो जाएगा, जिसके बाद आप 20 नंबर ले सकेंगे, जिसके बाद आपको किसी तरह की कोई उलाहना नहीं झेलनी पड़ेगी। 420 मेरा गाड़ी का नंबर था, तो मेरे को वही कहीं ना कहीं मतलब ये ऐसा लग रहा था कि कोई छल कपट वाला ये नंबर, ये 420 कहने से लोगों को भी सब बोल रहे थे कि आपका गाड़ी का नंबर कैसे 420 मिला है। धारा 420 के साथ ही अन्य कई कानून हैं जिनके अंक बदले जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी धारा के अंक बदलने वाले हैं। धारा 144 अब 187 हो चुका है। धारा 302 को 101 किया गया। धारा 144 को बदलकर 184 किया गया। रेप की धारा 376 को बदला गया। राजद्रोह में धारा 124 ए की जगह धारा 150। 19 धाराओं को हटाया गया है। अब आईपीसी की 511 के बजाय 358 धाराएं होंगी। इनमें से 175 में संशोधन किया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में चित्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे संबंधित नियमों को समझाने में मदद मिलेगी। कई जगह जो है सेक्शंस जो जबरदस्ती के थे वो कंसोलिडेट करके उसको लेके आए, जिसके कारण सेक्शंस कम हो गए। लेकिन 400 ऐसा कुछ ट्रेमेंडस चेंज नहीं हुआ है कि पूरा एक्ट ही बदल गया है। डेफिनेशन क्लॉजेस को इकट्ठा कर दिया, तो उसके कारण क्या, एक्ट कंसाइज हो गया। चीज़ें सब कुछ वही है, कुछ एक दो चार सेक्शंस में कुछ नई चीज़ें आई हैं, लेकिन एकदम का सारा एक्ट परिवर्तन नहीं हो गया है। 3 नए क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। ऐसे में देश भर के पुलिसकर्मियों, जेल कर्मियों के प्रशिक्षण का काम जारी है। कहा जा रहा है कि ये काम जुलाई के पहले पूरा कर लिया जाएगा। जशपुर से दीपक सिंह के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18। और चलिए बात करेंगे उन बेजुबानों की जो महीनों से जंजीरों में और पिंजरों में कैद हैं। लेकिन इन बेजुबानों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। बस कैद करके उनको भुला दिया गया। वो बोल सकते हैं लेकिन उनका दर्द यहां कोई समझ नहीं पा रहा। बस विभाग के अधिकारी इस दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा मामला। ए इंसान, अब तो रहम कर। जंजीरों में बेजुबानों की जिंदगी, दर्द देख दिल हो जाएगा छलनी। आजादी के इंतजार में गुजरे महीने,
जंजीरों में जकड़े बंदरों का दर्द। जंजीरों और पिंजरे में बंद बंदर को देखिए। आजादी से उछल कूद करने वाले बंदर कैद में हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों बंदरों को इस तरह रखा गया है, आखिर इनका कसूर क्या है जो इस तरह कैद करके रखा हुआ है। दरअसल ये बंदर जंगल से शहर में आ गए, इसके बाद वन विभाग की टीम ने इनको पकड़ लिया और संजय पार्क में बने रेस्क्यू सेंटर में इनको रख दिया। कहा जा रहा है कि रेस्क्यू कर वन विभाग के अधिकारी इन बंदरों को जंगल में छोड़ना भूल गए। कई महीनों से बंदर इसी तरह बंद है। संजय पार्क के कर्मचारी भी अधिकारियों को इसे लेकर कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब तक बंदरों को जंगल में नहीं छोड़ा गया। इन बंदरों को शहर से रेस्क्यू करने के बाद संजय पार्क में रखा गया और मैंने विनती की थी, डीपो से भी बात किया था कि इन बंदरों को लगभग 24 घंटे के अंतर्गत इनके परिवेश में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज 3 से 4 महीना बीत जाने के पश्चात भी मैं देख रहा हूँ कि वो बंदर वैसे ही दयनीय स्थिति में है और छोटे से पिंजरे में वो कैद की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे चूंकि बंदर जो है वो वन्य जीव का हिस्सा है और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति है, इन्हें बांधना कैद करके रखना ये इन सभी के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। उधर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बंदरों का स्वास्थ्य देखा जा रहा है, जैसे ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बंदरों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। संजय पार्क में जो बंदर लाया गया है वो रेस्क्यू करके लाया गया है और रेस्क्यू का पर्पस हमारा ये रहता है कि उसका प्राथमिक चिकित्सा की जाए और उनकी स्थिति को देखते हुए हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द उन्हें जंगलों में वापस छोड़ा जाएगा। इस तरह बंदरों को कैद में रखने से पशु प्रेमी नाराज हैं और बंदरों को जल्द से जल्द जंगल में छोड़ने की अपील की है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज 18। और अब बात कर लेते हैं त्योहारी सीजन की जो बेहद नजदीक है और ऐसे में मिलावटखोर इंदौर में सक्रिय हो चुके हैं। अगर आप मिठाई या दूसरा कोई सामान बाजार से लाते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह से देख लें और चेक कर लें। हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं? दरअसल इंदौर में प्रशासन ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने एक दुकान से करीब 5.5 लाख रुपए की मिलावटी हल्दी बरामद की है। इसके साथ ही कई और सैंपल लिए गए। यहाँ पर हल्दी में रंग यानी कि कलर मिलाने की काफी वक्त से शिकायत मिल रही थी। दूसरी कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मिलावटी आइस कैंडी भी बरामद की है। इन आइस कैंडीज में आर्टिफिशियल फ्लेवर या मीठापन जो लाया जाता है उसे मिलाया जा रहा था, ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक होता है। खाद्य विभाग की टीम ने 105 लीटर आइस कैंडी यहां से जब्त की और मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई की बात कही। लेकिन मिलावटखोरों पर नकेल नहीं कस पा रही है, आए दिन ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्ती प्यार और बदले की। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए युवती की दोस्ती एक शख्स से हुई, दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गई और उसके बाद दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो गया। लेकिन लड़की ने फिर किसी और से शादी कर ली जो उसके प्रेमी को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने युवती से बदला लेने के लिए ऐसा कुछ कर दिया कि युवती की पूरी जिंदगी बर्बाद हो। दोस्ती प्यार और खिलवाड़, एक वीडियो और सब खत्म। युवती की शादी, प्रेमी नाराज, एक गलती ने कर दिया बर्बाद। पहले दोस्ती हुई फिर बातों का सिलसिला चला और धीरे धीरे प्यार का इकरार। प्यार का दायरा बढ़ा तो प्रेमी ने प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जब प्यार में दरार आई तो एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। जी हाँ, एक पीड़िता ने पुलिस को ब्लैकमेल कर रेप की वारदात को अंजाम देने की शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शारीरिक संबंध का एक वीडियो बनाया था। जब पीड़िता की शादी हुई तो आरोपी नाराज हो गया और गुस्से में उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक महिला ने समान थाने में आकर शिकायत आवेदन पत्र दिया कि उसकी पिछले वर्ष इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़के से पहचान हुई थी और दोनों एक दूसरे से फिर बातचीत व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करने लगे। उसके बाद इस लड़के ने उसको फूलमती मंदिर के पास स्थित एक होटल में बुलाया और वहाँ उसके साथ होटल के कमरे में दुष्कर्म, शारीरिक संबंध बनाया और
इस हरकत का उसने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। करीब एक साल पहले सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता और आरोपी पप्पू खान की दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार हुआ और फिर शुरू हुई बदले की कहानी। बताया जा रहा है कि आरोपी रीवा आया करता था, इस दौरान दोनों की मुलाकात होते रहती थी, लेकिन जैसे ही पीड़िता की शादी हुई तो आरोपी नाराज हो गया और उसने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एक वीडियो ने पीड़िता की पूरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। महिला की अभी जनवरी माह में शादी हो गई, तो जिसकी जानकारी आरोपी को हुई तो उसने उसके द्वारा जो अश्लील वीडियो वगैरह बनाए हुए थे उसको उसने इंस्टाग्राम में आईडीज बना के और पोस्ट किया है और स्टोरी बनाई गई है, जिसकी जानकारी महिला को लगी तो महिला ने शिकायत आवेदन पत्र दिया जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। रीवा से शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज 18। अब बात उस चोर की जो पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। दरअसल रायपुर में एक व्यापारी के घर में चोर घुस गया था, व्यापारी ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस तो खुद बड़ी लापरवाह निकली। जिस आरोपी को पकड़ा था और पुलिस ने अपनी गिरफ्त में रखा था वो चकमा देकर फरार हो गया। व्यापारी ने आरोपी को कैसे पकड़ा उसकी भी एक कहानी है। दरअसल 10 दिन पहले व्यापारी के गोदाम में लाइट और साइकिल की चोरी हो गई थी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई थी। खुद पीड़ित ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ करती उससे पहले ही आरोपी फरार हो गया। पूरा मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। और यहां वक्त एक ब्रेक का है।